टीवी इंडस्ट्री के उन मशहूर सितारों के बारे में बताएंगे जो इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। पहले नंबर पर हैं संदीप आचार्य। राजस्थान के बीकानेर के रहने वाले संदीप आचार्य इंडियन आइडल सीजन 2 के विजेता का खिताब अपने नाम किया था। आपको बता दें कि इस सीजन में नेहा कक्कड़ भी बतौर कंटेस्टेंट के रूप में आई थी, लेकिन संदीप की आवाज के आगे वो टिक नहीं पाई और तीसरे ही राउंड में शो से बाहर हो गईं। लेकिन किसे पता था कि संदीप आचार्य सिंगिंग लोगों को अपना दीवाना बना रही थी। वह यूं इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। संदीप आचार्य की 15 दिसंबर 2013 को पीलिया के कारण मौत हो गई थी। नंबर दो पर है प्रत्युषा बैनर्जी। बालिका वधु फेम अभिनेत्री प्रत्युषा बैनर्जी की कहानी दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की तरह ही है। इनका करियर ऊंचाइयों तो छू रहा था, लेकिन वो किस बात से घुटन महसूस कर रही थी, मौत को गले लगाना ज्यादा आसान समझा और फांसी के फंदे से लटक कर अपनी जान दे दी और दुनिया से अलविदा कह दिया। नंबर तीन पर है स्वामी ओम। टीवी रियलिटी शो बिग बॉस में नजर आ चुके स्वामी ओम को काफी तबीयत खराब हो गई थी। कुछ दिन पहले उनका निधन हो गया। स्वामी ओम ने बिग बॉस सीजन 10 में बतौर कॉमनर एंट्री ली थी। शो में उनके और बीजे बानी के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई थी। स्वामी ओम की पूरी जिंदगी विवादों से भरी रही। बिग बॉस में जहां उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाला गया, वहीं 4 साल पहले उनके भाई ने उन पर चोरी का इल्जाम लगाया था। नंबर चार पर है सोनिका चौहान। 2017 में मॉडल और एंकर सोनिका चौहान की मौत एक सड़क हादसे में हो गई थी। दरअसल उनकी गाड़ी को कोलकाता के मशहूर टीवी कलाकार विक्रम चटर्जी चला रहे थे। अचानक गाड़ी के बेकाबू हो जाने से उनकी डिवाइडर से गाड़ी टकरा गई और फिर गाड़ी पेड़ से जा टकराई। हादसे में सोनिका चौहान की मौके पर ही मौत हो गई। सोनिका मिस दीवा कार्यक्रम में भी बतौर कंटेस्टेंट आई थी। उसके बाद उन्हें प्रो कबड्डी में भी जबरदस्त एंकरिंग कर अपनी एक अलग ही पहचान बनाई थी, लेकिन हादसे में जान से हाथ धो बैठी। नंबर पांच पर है स्मित सिंह। 2017 में टीवी रियलिटी शो स्टार वॉइस ऑफ इंडिया जीतने वाले स्मित सिंह भी अचानक यूं दुनिया को अलविदा कह देंगे यह कोई नहीं जानता था। शो जीतने के बाद स्मित का सिंगिंग करियर अच्छा चल रहा था, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। शो जीतने के एक साल बाद ही उनका निधन हो गया। स्मित एक परफॉर्मेंस के सिलसिले में मालदीव गए थे। यहाँ उनके प्रोग्राम से 2 दिन पहले स्विमिंग पूल में उनकी लाश मिली थी। सवाल उठने लगे कि आखिर स्मित की मौत कैसे हुई। हालांकि पुलिस का कहना था कि स्मित पूल में नहाने के लिए उतरे थे, जहां उनके सिर पर चोट लगी और वे डूब गए। स्मित को स्विमिंग नहीं आती थी। तो दोस्तों, आपको हमारी न्यूज कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।